हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बनाने वाले हैं हम, कुछ नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, सिर्फ मजाक था ये। आज की वीडियो में हम मल्टीमीटर के बारे में सीखेंगे और सिखाएंगे। आप इसे मल्टीमीटर आसानी से सीख सकते हैं और अपने घर पर चला सकते हैं। ये मल्टीमीटर आपको सिर्फ 110-120 रुपये में मिल जाएगा। आप ओरिजिनल मल्टीमीटर का प्रयोग मत कीजिएगा, पहले छोटे वाले से सीखिए, उसके बाद बड़े वाले को चलाइए। देखिए, मैं भी छोटे वाला ही चलाता हूँ। आज ही सारे कॉम्पोनेंट्स मैं चेक करा कर आपको दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कैसे कैसे चेक होता है। देख लीजिए, इसमें कई प्रोक्स हैं, बैटरी चेक करना, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर वगैरह सब कुछ चेक करने के लिए आता है इसमें। तो हम पहले बैटरी चेक करेंगे, तो DC 20 पर सेट करेंगे। देखिए, मैंने 20 पे सेट किया है। तो मैंने आपको प्रोक्स लगाना नहीं बताया, मैं आपको पहले प्रोक्स लगाना बता देता हूँ। देखिए, मैंने दो पिन वहाँ पर लगाया है, देख लीजिए। अभी आपको निकाल कर मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिएगा अभी कैसे लगाते हैं प्रोक्स को। देखिए, ये बैटरी है, मैं पहले इस बैटरी को चेक करूँगा। देखिए, मैं आपको निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इसमें 3 पिन होते हैं लगाने के लिए। ये एक तो आता है माइनस वाला, एक प्लस वाला, फिर से एक बचता है वो एम्पियर जांच करने के लिए होता है। उससे आप एम्पियर जांच कर सकते हैं। एम्पियर जांच करने के लिए आता है, तो सबसे पहले ब्लैक वाला सबसे नीचे कॉम पे जोड़ेंगे, उसके बाद रेड वाले को बीच में। एम्पियर जांच करने के लिए सबसे ऊपर का प्रयोग करते हैं। आपको निकाल के फिर से लगा कर दिखा दें हूँ। एम्पियर जांच करने के लिए आप ऊपर का प्रयोग कीजिएगा, नीचे का नहीं। बीच में का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ ट्रांजिस्टर वगैरह को जांच करने के लिए प्रयोग होता है। तो हम पहले DC वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, तो मैंने बीच वाले पे सेट किया है। तो सबसे पहले हम बैटरी को चेक करेंगे, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। हम माइनस प्लस का ध्यान रखें, बैटरी में प्रिंटेड हो रहा है, हम माइनस प्लस का ध्यान देकर कनेक्शन कीजिए। उसके बाद देखिए, मैंने इसको चेक किया, देखिए 4 वोल्ट आ रहा है इसमें। ये बिल्कुल बैटरी सही है, बिल्कुल भी थोड़ा से भी डाउन नहीं हो रही है, ये बैटरी हमारी परफेक्ट है। उसके बाद मैंने 3 बैटरी को एक साथ कनेक्ट किया है, मोबाइल की बैटरी है। मैं आपको इसे भी चेक करा कर दिखा दे रहा हूँ कैसे चेक करते हैं। देख लीजिए, माइनस प्लस इसमें भी ध्यान देखेंगे। देखिए, 2 वोल्ट कुछ पॉइंट दिखा रहा है। उसके बाद आते हैं हम कुछ और सामान के, इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस वगैरह पे जाएंगे। देखिए, रेजिस्टेंस पे बहुत सारे प्रोक्स होते हैं चेकिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे, तो मैंने छोटा वाला एक रेजिस्टेंस लूँगा। ये मेरे पास एक छोटा रेजिस्टेंस है, इसको आपको चेकिंग करना है। इसमें आप माइनस प्लस नहीं देखेंगे, आप किसी प्रोक्स पर भी लगा सकते हैं। तो हम पहले वाले पे चेक करेंगे, एक हाथ में पकड़िएगा एक प्रोक्स और दूसरे वाले को मत पकड़िए, अपने हाथ का एम्पियर बताने लगेगा ये। देखिए, मैं जैसे जांच कर रहा हूँ उसी तरह आप जांच कीजिएगा। देखिए, ये कुछ नहीं बता रहा है, तो एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, एक पॉइंट आगे बढ़ा कर फिर जांच करेंगे उसको। देखिए, ये बताने लगा, जैसे देख लीजिए कितना बता रहे हो। मैं आपको उल्टा करके भी दिखाऊंगा, अभी मैं उतना ही बता रहा है, फिर आपको उल्टा करके मैं दिखा रहा हूँ, उतना ही बताएगा। अगर दोनों तरफ से उतना ही दिखाएगा तो समझ लीजिए आपका ट्रांजिस्टर सही है, रेजिस्टेंस। अगर नहीं दिखाएगा दोनों तरफ से उतना, तो समझिए खराब है। मैं एक बड़ा वाला भी आपको दिखा देता हूँ, ये शायद पुराना हो गया है, पानी भीज गया है, ये ख़राब ही हो सकता है, इसका गारंटी नहीं है। तो मैं इसको भी चेक करा देता हूँ। तो आप शुरू जहाँ से किए थे वहीं से फिर शुरू कीजिएगा, आप पहले ऊपर मत चले जाइएगा। तो देखिए, मैंने 200 पर सेट की हुई है, आप 200 पर सेट कीजिएगा। और दोनों प्रोक्स को हम देखेंगे चेकिंग कर कर। देखिए, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ उसी तरह आप भी कीजिएगा, आप 100% सक्सेस होगा आपका मल्टीमीटर, आप सीख जाएंगे। देखिए, नहीं बता रहा है, फिर से एक प्रोक्स आगे बढ़ाएंगे हम लोग, देख लीजिए। लेकिन इसमें भी नहीं दिखा रहा है, एक प्रोक्स और आगे बढ़ाएंगे, इस पर भी नहीं दिखा रहा है, तो हम
से सबसे ऊपर करेंगे, तो नहीं बता रहा है। ये आपका समझ लीजिए ख़राब है, ये आपका किसी प्रोक्स पे भी नहीं बता रहा है, तो समझिए ये ख़राब है। या इससे भी ऊपर का हो सकता है जिस मल्टीमीटर में प्रिंटेड नहीं होगा, ठीक है, इससे भी ऊपर हो सकता है, या समझ लीजिए ख़राब है। इसके बाद आता है बजर, आप इसे वायर एलईडी वगैरह आप चेक कर सकते हैं। देखिए स्विच है, मैं आपको स्विच को आपको दिखा देता हूँ कैसे चेक करते हैं। पहले वायर को दिखा देता हूँ, वायर कैसे चेक करते हैं। जब आपका वायर सही होगा तो ये इसमें से बजर का आवाज़ आएगी, मैं आपको अभी सुना कर दिखा दे रहा। आप सुने ही हमारी आवाज़ को कैसे आवाज़ कर रहा था, मैंने आपको चेक करके दिखाया है। आप इसे वायर चेकिंग कर सकते हैं, मैं आपको अभी स्विच भी चेक करा कर दिखाऊंगा। देखिए वायर बिल्कुल सही है, ये आपकी बजर में से आवाज़ आ रहा है। देखिए मैं आपको स्विच भी चेक करा कर दिखा दे रहा हूँ, मैं इसमें आवाज़ नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आपको डिस्प्ले पे कुछ नंबर से रीडिंग होंगे, वहाँ से आपको दिखा सकता हूँ मैं। आप देख कर मालूम कर सकते हैं स्विच ख़राब है या नहीं। मैंने देखिए आपको अच्छे से लगाना है प्रोक्स को, उसके बाद देखिए इसमें रीडिंग कुछ हो रही है। अब मैं स्विच को बंद करूँगा, देखिए बंद करने पर वन दिखाने लगा, देखिए चालू करना हो तो आपको नंबर दिखाने लगा, इसका मतलब ये सही है। आप इस बड़े स्विच छोटा स्विच आप जो भी स्विच चाहे तो आप चेकिंग कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट मिल जेक है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पीछे वाले प्रोक्स पे और बीच वाले प्रोक्स में लगाएंगे, तो ये भी आवाज़ इसमें से आएगी। देखिए नंबर भी सो रहा है, थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी आएगा, और दोनों को इसी तरह करके हम चेकिंग कर सकते हैं। देख लीजिए बीच में आपको इसे भी चेक कर सकते हैं, छोटा स्विच या बड़ा स्विच आप कोई भी स्विच चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एलईडी, आप चाहें तो इसमें से एलईडी भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद जो भी आप चेक कर सकते हैं, एलईडी छोटा एलईडी बड़ा एलईडी कोई भी एलईडी आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको एलईडी भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ, आप एलईडी चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा जलेगा तो समझ लीजिएगा ये नीमन है, और नहीं जलेगा तो समझ लीजिए ख़राब। इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखिए, तभी आपका ये सक्सेस होगा, वरना नहीं होगा। उसके बाद है बटन स्विच, ये बटन स्विच आप प्लस माइनस देख कर देखिए, अभी थोड़ा सा बढ़ेगा, आपको मैं अभी दिखाऊंगा, थोड़ा सा बढ़ रहा है, देखिए मेरे हाथ पर देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये देख लीजिए, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद आता है आपका, देखिए आप स्विच छोटा स्विच या बड़ा स्विच मैंने पहले ही बताया था, आप कोई भी स्विच चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है देखिए आप बजर से कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं, मैंने कैपेसिटर नहीं चेक कराया, मेरे पास कैपेसिटर सारे पुराने हैं लेकिन ख़राब हो सकते हैं। देखिए इसमें आप ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर वाला वही आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एम्पियर चार्ज करने के लिए होता है, आप किसी पर लगा कर एम्पियर चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये प्रोक्स निकाल कर उसी ऊपर वाले प्रोक्स में लगाना होगा, उसके बाद आप कोई भी एम्पियर जांच कर सकते हैं, कितना भी ज़्यादा एम्पियर हो आप जांच कर सकते हैं। उसके बाद आता है एसी वोल्टेज, देखिए आपका अगर 200 से नीचे वोल्टेज आता है आपकी एसी का, तो आप 200 पर सेट करके आप चेक कर सकते हैं, वरना 750 पे सेट कर चेक कर सकते हैं। मैं आपको राय दूंगा कि आप 750 पे ही चेक करें, आपके लिए ये बहुत सेफ रहेगा। देखिए आपको उस पर लगा कर ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, देखिए इसमें 8 पिन है, आपको 3 पिन में लगाना होता है, उसमें नंबर आता है। मेरे पास शायद ट्रांजिस्टर नहीं है, मैं अपने छत पर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरे पास वहाँ पर अभी लाइट इस टाइम तो लाइट नहीं है, बारिश आ रहा है, इसलिए मैं आपको चेक करा कर नहीं सकता। ऐसे आप सीखेंगे तो 100% सक्सेस होगा।